दोस्तों, बात जब बसों और ट्रकों की आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, अशोक लेलैंड। आज भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले हर 5 में से 4 बड़े व्हीकल्स अशोक लेलैंड के ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना में भी अशोक लेलैंड के ही ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से ही अशोक लेलैंड को भारत की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माना जाता है। लेकिन आखिर कैसे शुरू हुआ अशोक लेलैंड का सफर? कैसे एक मामूली मोटर वर्कशॉप मैकेनिक ने खड़ी की इतनी बड़ी कंपनी? और आखिर कैसे बनी अशोक लेलैंड कंपनी देश की इतनी बड़ी कंपनी? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अशोक लेलैंड भले ही दुनिया की सबसे बड़ी बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत भी भारत की दूसरी बड़ी कंपनियों की तरह ही एक बेहद छोटे लेवल पर हुई थी। अगर हम कहें कि अशोक लेलैंड कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। एक मोटर वर्कशॉप चलाने वाले शख्स ने अपनी मेहनत के दम पर इस कंपनी को खड़ा किया। इतना ही नहीं, भारत का पहला ट्रक और पहली डबल डेकर बस भी इस कंपनी की देन है। ये कहानी केवल एक कंपनी और उसकी सफलता की नहीं है, बल्कि इसके साथ ही ये कहानी एक फ्रीडम फाइटर की, जिसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने खुद के फायदे के बजाय देश के विकास के लिए की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने का एक तरीका था, और वो ये कि भारत के लोग, खास करके अमीर आधुनिक उद्योग यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री में आगे बढ़े। भारत को आगे बढ़ाने का उद्देश्य से 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब के एक फ्रीडम फाइटर से यह कहा कि वह मॉडर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। उस फ्रीडम फाइटर का नाम था रघुनंदन सरन। रघुनंदन सरन आजादी से पहले रावलपिंडी में रहा करते थे और अपने पिता की गाड़ियों की वर्कशॉप चलाया करते थे। उस समय रघुनंदन सरन के पिता शहर के जाने माने रईसों में गिने जाते थे। पिता की रईसी के कारण लोगों के बीच रघुनंदन का भी मान सम्मान था, लेकिन वो ऐसे लोगों में नहीं थे जो पिता के पैसों की वजह से रौब जमाते। उन्हें अपने दम पर कुछ करना था, अलग पहचान बनानी थी। ऐसे में आजादी के बाद उनके पास मौका भी था। आजादी के बाद रघुनंदन सरन रावलपिंडी के पंजाब में आकर बस गए थे। नेहरू जी की बात मानते हुए रघुनंदन सरन ने खुद के दम पर कुछ नया शुरू करने का फैसला किया। अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम से आधुनिक उद्योग यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके लिए उन्होंने व्हीकल्स के इस फील्ड को चुना और इसका नाम उन्होंने अशोक मोटर्स रखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक लेलैंड की शुरुआत का नाम अशोक मोटर्स ही था। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई उस समय अशोक मोटर्स इंग्लैंड की ऑस्टिन कार्स को बनाने का काम करती थी। कंपनी का काम ऑस्टिन A40 कार को भारत में असेंबल करना और उसे लोगों तक पहुंचाना था। उस समय इनका प्लांट एनोर चेन्नई में था। उस समय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ऑस्टिन कंपनी की A40 कार को स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था। अपनी कंपनी को और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रघुनंदन सरन किसी और को अपने साथ लाना चाहते थे। रघुनंदन सरन किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते थे ताकि उनकी कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट की कमी ना पड़े। इसलिए रघुनंदन सरन ने ब्रिटिश कंपनी लेलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा था, और वह चाहते थे कि वह इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में भी कमर्शियल व्हीकल्स को बना सके। इस काम को पूरा करने में रघुनंदन सरन को मद्रास यानी कि चेन्नई सरकार की मदद मिली और लोगों के साथ मिलकर पैसा जुटाया गया। अशोक मोटर्स और लेलैंड कंपनी के बीच ये समझौता तो हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से रघुनंदन सरन इस शानदार पल को देख नहीं पाए। वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ता हुआ देख पाते इससे पहले 1953 में रघुनंदन सरन की एक एयर क्रैश दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से कंपनी की बागडोर मद्रास राज्य सरकार और कंपनी के कुछ बाकी शेयर होल्डर्स के हाथ लग गई। उनकी मौत के बाद अशोक मोटर्स और लेलैंड के बीच हुए समझौते की डील को फाइनल किया मद्रास सरकार और बाकी शेयर होल्डर्स ने। आखिरकार 1954 में इंग्लैंड की लेलैंड मोटर्स और भारत के अशोक मोटर्स पार्टनरशिप में आ गई और कंपनी का नाम अशोक मोटर्स से बदलकर अशोक लेलैंड रख दिया गया। इसके बाद कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग की जगह कमर्शियल व्हीकल बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। इसके साथ ही कंपनी ने देश का पहला ट्रक बनाया। कंपनी के एन्नोर स्थित प्लांट में पहला ट्रक कॉमेट 350 ट्रक का निर्माण किया गया और इसे मैंगलोर की टाइल फैक्ट्री को बेचा गया। 1954 में भारत सरकार ने कंपनी को सालाना 1000 ट्रकों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। रघुनंदन सरन तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बोया हुआ अशोक मोटर्स नाम का बीज अशोक लेलैंड के रूप में धीरे धीरे एक बड़े लेवल पर उभरने लगा था।
इन दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप कमाल का रंग लाई, जिसकी बदौलत कंपनी का बिजनेस कई देशों में फैल गया था। कंपनी के ट्रक हिट होने के बाद कंपनी ने नई कामयाबी तब हासिल की जब वो भारत में पहली डबल डेकर बस का कॉन्सेप्ट लेकर आई। अशोक लेलैंड ने डबल डेकर बस बनाई और फिर 1967 में पहली बार देश की सड़कों में डबल डेकर बस दौड़ी। उस समय यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में ही डबल डेकर बस चलती थी। इस बस का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से किया गया था। इसके साथ ही कंपनी ने साल 1959 में अपने सभी कमर्शियल व्हीकल्स में पावर स्टीयरिंग लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि तब ये एक बेहद ही एडवांस तकनीक हुआ करती थी। ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रही थी। आपको बता दें कि 1970 दशक के दौरान इस कंपनी के सेना के लिए 10,000 मॉडर्न ट्रक बनाने का ऑर्डर मिला था। कंपनी के लिए बड़ा काम था, लेकिन इस चुनौती को कंपनी ने एक्सेप्ट किया और अशोक लेलैंड ने भारतीय सेना के लिए ऐसे मजबूत ट्रक बनाए जो किसी भी सिचुएशन का सामना करने में सक्षम थे। अपने इस टास्क में कामयाब होने के बाद तब से लेकर अब तक यही कंपनी भारतीय सेना के लिए ट्रक बना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों कंपनी के बीच की पार्टनरशिप साल 1975 तक चली, लेकिन उसके बाद भी लेलैंड मोटर्स ने अशोक लेलैंड को टेक्नोलॉजी के मामले में असिस्ट करने का वादा किया। वहीं आपको बता दें कि साल 1980 में कंपनी ने तमिलनाडु के होसूर शहर में अपना एक नया प्लांट लगाया। इस प्लांट में मेनली मल्टी टाइप की बस और ट्रक्स का निर्माण किया जाने लगा था। साल 2007 में कंपनी ने 51% शेयर्स हिंदुजा ग्रुप से खरीद लिए। मेजॉरिटी शेयर के साथ ही आज इस कंपनी का मालिकाना हक हिंदुजा ग्रुप के पास है। आज हिंदुजा ग्रुप के लिए अशोक लेलैंड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। एक वर्कशॉप चलाने वाले फ्रीडम फाइटर के द्वारा खड़ी की गई अशोक लेलैंड आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। इसके साथ ही वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी भी बन गई है। दोस्तों इस कंपनी ने हमेशा ही सबसे बेहतर देने की कोशिश की है और इसी वजह से ही आज इस मुकाम तक पहुंची है। अशोक लेलैंड आज ट्रक से लेकर बस और मिनी ट्रक बना रहा है। इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। हर तरह के ट्रक ये कंपनी देश को उपलब्ध करवा रही है। वहीं अगर बस की बात की जाए तो स्कूल बस, पैसेंजर बस, स्टाफ बस, इंटरसिटी बस, सिटी बस जैसी हर तरह की बस ये कंपनी देश को उपलब्ध कराती है। कंस्ट्रक्शन और लाइट कमर्शियल वाहनों के कंस्ट्रक्शन जोन में एंट्री करने के लिए कंपनी ने 2011 में अमेरिका की कंपनी जॉन डियर के साथ हाथ मिलाया था। लाइट व्हीकल की बात करें तो अशोक लेलैंड का दोस्त काफी ज्यादा फेमस है। दोस्त की कई सारी वैरायटी हैं जो अलग अलग कीमत की है। आपको बता दें कि साल 2021 में अशोक लेलैंड ने भारत के पहले 14 पहियों वाले DTLA ट्रक को लॉन्च किया था। ये 4 एक्सल वाला 8x2 DTLA ट्रक है जो कि कुल 40.5 टन वेट को ठो सकता है। भारत की इस ट्रक और बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भारत समेत दुनिया भर में 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। अशोक लेलैंड आज सिर्फ पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बसों की भी मेजर प्रोड्यूसर कंपनीज में से एक मानी जाती है। और आपको बता दें कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें यही कंपनी बनाती है। भारत में तमिलनाडु के इन्नौर के साथ साथ होसुर में, महाराष्ट्र के भंडारा में, राजस्थान के अलवर जैसी जगहों पर अशोक लेलैंड के प्लांट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी अशोक लेलैंड की सफलता की कहानी। क्या लगता है आपको कि अगर अशोक मोटर्स को लेलैंड का साथ नहीं मिला होता तो क्या आज इतने बड़े मुकाम पर होती? अपने विचार हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।